हमारे पंचायत के जो अभी पंचायत के संगम टू पे भी लोगों ने लिखित में दिए हाँ, लेकिन हमारे उसके बेस पे जितनी जो भी मांगे थी जरूरी वो सब शासन को भेजी गई और उसमें यही की अच्छे से अच्छा मुआवजा हमने भेजा ये बता रहे क्योंकि जो भी चीजें आई तो हमने उसके हिसाब से कागज बना के भेजे ये बताना चाह रहे हैं आप। तो आप भी अभी देखिए खड़े होके बार बार एक ही बात रिपीट करते रहने से कुछ नहीं होगा। आप लोग भी हमारे पास शासन का कागज है आप लोग भी अपना कागज दीजिए उस कागज को हम ऊपर भेजेंगे जी। नहीं तो ऐसे नहीं किसी हो पाएगा जिस अपना लेटर बैठते बन किसी को ठीक है आप लोग भी लिखित में तो मैडम ये सर्वे कार्य आप बंद नहीं कर पाए कैसे कर पाएंगे आप बताएं। 19 का निर्देश है और आज हम 24 में खड़े हैं हमको 26 तक का टाइम है और ये ऐसा नहीं रहता प्रोजेक्ट की 2-4 महीने में बन जाए टाइम लगता है। कुछ के बेगायल बोल कर बोलो फिर हां यहां थोड़ी ताई सब काम आए बातें आए इतन सर्वे आए इतन भाई कागज तो सिंपल जा चुका है और लिख के आ गया कि नहीं ये शासन से निर्देशित है कि ये काम करना है तो ये निरस्त नहीं होगा। वो कहा चाहो तो मैं वो कागज ला के भी दिखा दूंगा। हमारे जो चीफ इंजीनियर मुख्य अभियंता होते हैं वहाँ से हमको वापस आ गया कि शासन ने स्वीकृति दी है ये काम करना है शासन या विभाग कहीं भी अपने मन से नहीं जाता है जब तक जनता से मांग नहीं आती है तो जनता नहीं बोल रहे जनता की मांग करके रोकते क्यों हैं आपसे पहले जो भी रहे उन्होंने मांग की थी नहीं मांग करने वाले बाहर के पंचायत वाले होते हैं उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता पंचायत की भी थे यहाँ से फिर प्रस्ताव गया हुआ उसके बाद मैं कह रही हूँ कि गलत मतलब लिखित में ले गए हैं हो सकता है ना जाली काम भी आप भी कर सकते हो ऐसा भी जाली काम आप भी कर सकते हो जैसे हमारा दर्शन का लड़का दीपक उनके सचिव के नाम से साइन कर दिया ये होता है ऐसा जाली काम कराने वाला कोई लोग कर सकता है ऐसा गद्दार लोग करें जाली काम करने वाले मैडम हमने ऐसा देना है लोग ऐसा जाली काम करते हैं जाली साइन करके आदिवासी मैडम जब हमने पूछा ना बोले नहीं बोले वो दीपक का है बोले जाली काम करवा काम करवाते ये लोग गोली है गोली उन लोग साले उन्हीं लोग को कर रहे हैं जबरदस्ती लगा पीछे आदिवासी को डूब कर रहे हैं पूरा अभी उनकी जमीन में बनता ना तो वो लोग ऐसे खड़े हो जाते नहीं होने देते क्या वो लोग अभी वो इतने देर से तुमको तो यहाँ खड़े नहीं होने देते इतने टाइम वो लोग अभी हम नहीं चाह रहे यहाँ जब यहाँ जनता नहीं चाह रहे तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं नहीं तो सर्वे करने के बाद ही डिसाइड होगा जो नहीं सकता आप नीचे फॉरेस्ट कार्यालय पूरा सर्वे हो रहा है सैटेलाइट से एक बार हो चुका है तो वो हो जाएगा फील्ड पे हो रहा है नहीं वो अगर हो जाएगा तो रुकना नहीं है ना सर होने के बाद तो रुकने वाला नहीं है जब आप शासन के निर्देश के विरुद्ध निर्णय लेके आएंगे सर्वे करके दोगे नहीं और तो किसी पर हाँ, वो कहाँ से होगा फिर पास होगा नहीं दोगे तो होगा कैसे कहाँ से होगा पहले सर्वे करके दोगे तब तो होगा वो कर दिया और हो जाएगा टेंशन हाँ? नहीं है कि हम ऐसा होगा हां होगा ऐसा होगा ऐसे ही करना नहीं करेंगे नहीं ऐसा ही होगा शासकीय कर्मचारी हां कर्मचारी तो करते हैं यहाँ नहीं ले सकते वहाँ तक तो ठीक है लेकिन हमारे गांव के मुकद्दम में आप हमारे गांव के मुकद्दम से बात करें पहले अनुमति लेते उसके बाद ही कुछ बात तो अनुमति अलग से जरूरत है नहीं मैडम नहीं नहीं हमारे गांव के मुकद्दम के बगैर आप घुस नहीं सकते और अपना काम रुकवा दीजिए जबरदस्ती करके तो उसमें नहीं है हमको तो मैडम आप अधिकारी हैं आप अधिकारी हैं नहीं ऐसा नहीं होता कि अधिकारी है अधिकारी कुछ नहीं होता है शासन के निर्देश का पालन जय चाची रुको 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 निर्देश मेरे को दिखा दिया
और क्या, वो ऐसा बताओ नियम है कि भाई मुकदम की अनुमति के बगैर हम आ नहीं सकते हैं। मैडम यहाँ मुकदम पटेल ग्राम सभा चलती है, मैडम जी आपको पहुँचवाए थे ना, रुक जा रुक जा, देख लो वो देख लो, आप शासन के निर्देश दिखाइए, ग्राम सभा के नहीं शासन शासन, जैसे आप संविधान की बात करते हैं, संविधान में ऐसा कोई लिखा हो तो मेरे को दिखाओ, हम शासन के अधीन हैं, शासन का कुछ ग्राम सभा चलती थी मैडम, ग्राम सभा शासन बनने से पहले ग्राम सभा चली से चली आ रही है, हाँ। तो पंच जो ग्राम सभा है उसे पंचायत ने ले लिया है, मैडम नहीं तो ग्राम सभा पहले से चली आ रही है, संविधान बनने से पहले से चली, आप सही बोल रही हैं, तो आप कैसे बोल रहे हो कि ग्राम सभा को नहीं, मुकदम पटेल सरकार पहले से चली आ रही है।